शाजापुर में पेंशनर संघ ने जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर विरोध जताते हुए बताया कि लगातार पेंशनरों के साथ छलावा किया जा रहा है। 17% डीए पेंशन धारक को दिया जा रहा है, जो कि गलत है। राज्य सरकार का पेंशन धारकों पर कोई ध्यान नहीं है। पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने हमें बेबस कर दिया। यदि पेंशन धारकों का डीए नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले समय में पेंशनर संघ पूरा मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। पेंशनर संघ के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है शासन के द्वारा, 17% ही डीए दिए जा रहा है पूरे पेंशनरों को, और एक तरफ आशीर्वाद दाता कहते हैं बुजुर्गों को, और बुजुर्गों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। इस भीषण महंगाई के दौर में उनका आर्थिक शोषण राज्य शासन के द्वारा किया जा रहा है। उसके है सर कि हम अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे, इन्हीं लोगों ने हमको उसकाया और यहाँ तक ले आया। इसके बाद की तो कार्रवाई आप पूछने के पहले मैं बता दूँ, इसके बाद ऐसे कार्रवाई करेंगे हम कि पूरा प्रदेश एक जगह होके इस मांग को मंगा के रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पूरे अधिकारी जितने भी हैं सब मिलके हम ये लागू करके रहेंगे। पेंशनर साथियों द्वारा एक दिवसीय ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। हम अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वर्ष 2019 से समय समय पर शासन द्वारा जो डीए और राहत कोष की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन कर्मचारी साथियों को तो वो स्वीकृत करके भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन पेंशनरों को उससे दूर रखा गया, उनके साथ भेदभाव किया गया।